अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास फर्स्ट ईयर हमारे बायो के स्टूडेंट, आज लगता है कि इनका साबुन स्लो है। हैं, आज बच्चे हमारे स्लो स्लो आ रहे हैं। भाई क्या बात है, खैरियत है? अच्छा जी, आते ही एक प्रॉब्लम आया जी। वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम, जवाब दिया आपने जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपको भी अल्लाह ताला नेकियां अता करे और हमें भी अता करे। अच्छा जी, जनाब ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम आ रही है जी, ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम आ रही है। हम अपने बच्चों की ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ बच्चों का लॉगिन नहीं हो रहा जी। जी बिल्कुल, अभी मैं बात करता हूँ, एक मिनट। कल जी हमने आपके साथ डिस्कस किया था, ये स्लाइड हमारी आपके सामने मौजूद है, और इस स्लाइड में आप ऑलिगोसैकेराइड्स की बात कर रहे थे। उसके हमने टाइप्स दो अपने सामने रखी थी, डाइसैकेराइड्स और डेक्सट्रिन। डाइसैकेराइड हमने आपसे कहा था कि वो ऑलिगोसैकेराइड है विच कम्पोज्ड ऑफ टू मोनोमर या टू मोनोसैकेराइड्स। तो इसमें वन और टू, दो मोनोसैकेराइड्स होंगे और ये डाइसैकेराइड कहलाएंगे। डाई मींस होता ही टू है, डेफिनेटली आपको याद है, डाई डी वाई डी आई डाई, ठीक है। डीई डी होता है, वो अलग चीज होती है। डेक्सट्रिन में आपने कहा कि जी ऑलिगोसैकेराइड विच कंटेन 3 to 10। अब टू तो ये हो गया, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक आपके पास अगर ऑलिगोसैकेराइड यानी मोनोमर्स आपस में मिल रहे हैं तो वो कहलाएंगे डेक्सट्रिन। डेक्सा डेक्सा जो होता है वो 10th को कहा जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप करेंगे काम और सेकेंड ईयर में डेफिनेटली, तो वहाँ पर, और 9th में शायद आपने केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है थोड़ी सी, एक चैप्टर उसमें भी आपने ये याद किया होगा। फॉर्मूला डाइसैकेराइड में आपको देखा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज आपस में मिल जाए तो सक्रोज फॉर्म होगा, और हमने थोड़ी सी बात की थी कि वाटर आपस में मिलकर इन्हें डिहाइड्रेट करके, हाइड्रोलाइज करके दोबारा इसको बना सकता है। सीधा ग्लूकोज गैलेक्टोज मिलकर लैक्टोज बनाते हैं, ग्लूकोज ग्लूकोज मिलकर माल्टोज बनाते हैं, ये कल आप बात कर चुके थे, और इनकी सोर्सेस की बात भी हम आपसे कर चुके थे। ये हमारी डाइसैकेराइड की इन पिक्चर्स में आपको हम दिखा रहे थे कि जनाब ये है, जैसे सपोज डाइसैकेराइड्स, ठीक है ना, दो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में मिले हुए। स्टार्च एक लार्जर मॉलिक्यूल है जो हम अभी आपसे आगे पॉइंट आउट करते हैं। ग्लाइकोजन भी एक लार्जर मॉलिक्यूल है, ये लार्जर चेन छोटी बनाई हुई है। ये देख लीजिए स्टार्च की चेन, इसका एक छोटा सा पोर्शन आपके सामने यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्म में डिस्क्लोज किया गया। तो ये कल हम बात कर चुके थे जी, टाइप ऑफ सैकेराइड्स की। पार्टिसिपेंट हैं 10, जो कि अभी भी मेरा ख्याल से बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है जी। तो बहरहाल ये आज हम बात करते हैं जनाब पॉलीसैकेराइड्स की। पॉलीसैकेराइड्स डेफिनेटली मैनी, पॉली मीन्स होता है जी मैनी, बहुत सारे। तो पॉलीसैकेराइड्स आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ मोनोमर्स या मोनोसैकेराइड्स। तो हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ द मोनोसैकेराइड्स आर कंबाइंड टू फॉर्म पॉलीसैकेराइड्स। दे आर टेस्टलेस, इनका जायका आपको नहीं मिलेगा, टेस्टलेस होंगे। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये सॉल्युबल, इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वाटर में वो ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल हैं, नहीं करेंगे अपने आप को सॉल्युबल।
ऑन हाइड्रोलाइसिस दे यील्ड लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड मोनोमर. अगर इनको हाइड्रोलाइज किया जाए तो डेफिनेटली ये हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मोनोमर्स से बने हैं, तो फिर उतने ही मोनोमर्स सेपरेट भी होंगे. ठीक है जी. अब इसकी एग्जांपल हमारे पास है स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज. स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन. ठीक है, स्टार्च का फॉर्मूला मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको ये दिखाया, तो आप देख सकते हैं ये मॉलिक्यूल कितना लार्जर है. ग्लाइकोजन का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये पूरा नहीं है, सिर्फ एक पीस है. ठीक है, तो स्टार्च क्या होता है जी? इट इज अ कंपोज ऑफ मेनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल विच आर लिंक टूगेदर इन स्ट्रेट चेन. It is insoluble in water, but when boiled, it becomes soluble. It may be branched. ठीक है, ये character है starch के, कि ये glucose के molecules आपस में linked बनाकर एक chain बनाते हैं, और वो chain straight होती है. Definitely starch अगर normal temperature पे आप बात करेंगे तो ये insoluble होगी in water. लेकिन अगर पानी को थोड़ा सा बॉयल कर लिया जाए तो स्टार जो है वो डिसॉल्व हो सकती है. ठीक है, लेकिन बहुत बड़ी क्वांटिटी में नहीं होगी. सोर्सेस क्या है जी इसके? इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ हायर प्लांट्स. ये हमारे हायर प्लांट्स के अंदर बहुत ही रिजर्व फूड के तौर पर मौजूद होता है. ठीक है, और रिजर्व फूड डेफिनेटली प्लांट्स के अंदर उसके काम आएगा, लेकिन वो फिर हमारे यूज में भी आ जाता है. इट इज फाउंड इन सीरियल्स, दालों में, लिग्यूम्स में, लिग्यूम्स में. ठीक है जी, तो जनाब लिग्यूम्स हमारी जितनी भी फलीदार प्लांट्स हैं, और बहुत अच्छी क्वांटिटी इसकी पोटैटोज में है. पोटैटोज से आप वाकिफ हैं, आप इसको बहुत शौक से खाते हैं. ठीक है जी, फंक्शन स्टार्च का अगर देखें तो स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल शुगर बाय हाइड्रोलाइसिस. तो स्टार्च चूंकि ग्लूकोज से फॉर्म किया है, तो अगर इसे हाइड्रोलाइज किया जाएगा तो ये सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाएगी. सिंपल शुगर एक्चुअली हम ग्लूकोज को कहते हैं. ठीक है, एंड देन ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी टू बी यूज इन मेटाबॉलिक ऑफ अदर मॉलिक्यूल. तो अब उसको ऑक्सीडाइज किया जाएगा और देन ग्लूकोज आपको एनर्जी प्रोवाइड कर देगा. तो ये एक डाइजेशन के बाद होगा एनिमल्स में, अगर हम बात करेंगे. ठीक है ना, और फिर मेटाबॉलिज्म का हिस्सा ग्लूकोज हमारा बनेगा. सेलुलोज, अच्छा स्टार्च जो होगी वो डेफिनेटली सिर्फ प्लांट्स में आपको मिलेगी, एनिमल्स में ये नहीं है, क्योंकि ये रिजर्व फूड है इन हायर प्लांट्स. क्लियर. सेलुलोज इज कंपोज ऑफ मेनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स विच आर ज्वाइंट ओनली इन अ स्ट्रेट लाइन. ये भी सेलुलोज ज्वाइन होगा स्ट्रेट लाइन में और फॉर्म करेगा सेलुलोज को, और ये भी हंड्रेड और थाउजेंड्स की क्वांटिटी होती है. डिफरेंट किस्म के सेलुलोज की टाइप है वो बनती है. मेन सोर्स ऑफ सेलुलोज आर प्लांट, प्लांट में ही है, हमें मालूम है सेलुलोज हमारा प्लांट्स के अंदर ही मिलेगा आपको. इट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ प्लांट सेल वॉल. ये एक्चुअल प्लांट सेल वॉल का मेन कॉम्पोनेंट होता है. ठीक है ना, इट इज एन एक्सीलेंट रफेज सब्सटेंस डेट एड्स बल्क टू द डाइट. एक रफेज जो हमारी सब्सटेंस होती हैं वो एक्चुअली डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जैसे ह्यूमन के लिए या एनिमल के लिए हमारी डाइट में रफेज जो सब्सटेंस है वो फाइबर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. हर्बीवोरस में सेलुलोज उनका रफेज सब्सटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसा ऐसा डिसॉल्व होकर बहुत अच्छी तादाद में, बहुत अच्छी क्वांटिटी में एनर्जी प्लस अदर सब्सटेंस प्रोवाइड करता है.
तो जिस तरह से आप फाइबर फूड अगर आप लेते हैं विदाउट फाइबर तो वो आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं है, और आप फाइबर वाले फूड लेते हैं तो वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आपसे एग्जांपल दिया आपको कि जनाब जब भी आटा आप बनाएंगे यानी गूंदेंगे पकाने के लिए तो उसको छाने नहीं, बल्कि आटे के साथ जो कुछ भी उसका सीड कोड पिसा हुआ है गंदम का वो भी आपके आटे में आना चाहिए, ठीक है। तो उसे क्यों कहा, इसलिए कि वहाँ फाइबर की क्वांटिटी बहुत है हमारे गंदम के सीड कोड, ठीक है। वीट जो है आपको पता होना चाहिए कि वीट एज अ सीड भी और फ्रूट भी है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है फाइबर के साथ। अच्छा जी, एक बच्चे को आवाज़ नहीं आ रही, तो जिस बच्चे को आवाज़ नहीं आ रही तो वो अपने माइक या अपनी कनेक्टिविटी को चेक करे, ठीक है, अपने माइक और कनेक्टिविटी को चेक करें। अच्छा जी, अब हमारे पास जो सोर्स हमने आपसे कह दिया सेल्स का, तो सेल वॉल का मेन कंपोनेंट है, या थर्ड जो एग्जांपल है हमारी पॉलीसेक्राइड की वो है ग्लाइकोजन। इट इज अ पॉलीसेक्राइड स्टोर्ड इन ग्रेन्यूलर फॉर्म, ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इट इज कॉमनली नोन एज एनिमल स्टार्च। इसे हम एनिमल स्टार्च कहते हैं। भाई क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने कहा था कि जो स्टार्च होती है वो रिजर्व फूड है प्लांट्स का, तो इसी तरह ग्लाइकोजन भी रिजर्व फूड है एनिमल का, तो इसलिए हम इसको एनिमल स्टार्च कहते हैं, ठीक है। आपको कल और से पहले भी एग्जांपल दे चुका हूं कि जब आप लोग सहरी करते हैं तो आपने जो खाना खाया है वो खाना उसकी क्वांटिटी रिजर्व हो जाती है कुछ, ताकि उस शाम तक आपको भूख लगे और गायब हो जाए, तो वो दरअसल आपको जो हमारा लीवर है वो ग्लाइकोजन फॉर्म कर लेता है, और जिस वक्त आपकी बॉडी खाना मांगती है यानी भूख लगती है आपको, तो उस वक्त आपके ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करके ग्लूकोज बना दिया जाता है, और फिर आप थोड़ी देर बाद देखेंगे रोजे में कि आपकी भूख या तो कम हो गई या ख़त्म हो गई, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी ने इन्हीं रिजर्व फूड को इस्तेमाल किया। सोर्स, इट इज़ फाउंड मेनली इन बैक्टीरिया, फंजाई, लीवर, मसल्स, टिश्यू ऑफ एनिमल्स। तो ये आमतौर पर हमारे बैक्टीरिया में भी है, फंजाई में भी है, लीवर में भी है, और मसल्स टिश्यू हमारे जो है उनमें भी मौजूद होता है। फंक्शन जो है, ग्लाइकोजन एक्ट एज स्टोरेज फूड मटेरियल, एज स्टोरेज फूड है ये स्टोर काम करता है, ठीक है जनाब। अब चलते हैं जी हम कार्बोहाइड्रेट का लास्ट टॉपिक देखें, और वो है हमारा सोर्स फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डेफिनेटली जो कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। कार्बोहाइड्रेट इज द पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। This energy utilize in body metabolism. तो ये body के जो metabolism है उसमें utilize की जाती है, और carbohydrate जो है वो हमारा potential source है, main source है। As a storage of food in plant, excess glucose is converted into starch and in animal into glycogen. तो अब आपने जब types पढ़ी किसी भी material की, glucose के बारे में पढ़ा, तो एक्चुअल वो फंक्शन में भी ऐड हो जाएगा। जैसे भी आपने पढ़ा जनाब स्टार्च और एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोजन, तो आपने कहा था कि ये स्टोरेज है, तो आपने यहाँ हेडिंग लगा के उसको फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में डाल दिया। प्रोवाइड कार्बन स्केलेटन, यानी कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्राइमरी प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। याद है आपको कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलकर हमारे
फोटोसिंथेसिस में प्रोसेस करते हैं और फ्रॉम दीज अदर मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, मुख्तलिफ मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं. इट प्रोवाइड कार्बन स्केलेटन फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड. ये जो है वो कार्बन के बायोसिंथेसिस करने के लिए जो हमारे प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ये सब एक्चुअल किससे बने? कार्बोहाइड्रेट के जो कार्बन है, चेन कार्बन की. तो कार्बन की चेन ही इन तमाम प्रोडक्ट्स को फॉर्म करने में मदद देती है. इसलिए हम कहते हैं ये कार्बन का स्केलेटन प्रोवाइड करता. ठीक है जी. स्ट्रक्चर फॉर्मिंग मॉलिक्यूल, द कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज फॉर्म द सेल वॉल. अभी हमने कहा कि सेलुलोज जो सेल वॉल बनाती है प्लांट में, काइटिन कंपोनेंट बनाती है एक्सोस्केलेटन में. प्योरली कार्बोहाइड्रेट तो नहीं होता काइटिन, उसमें प्रोटीन भी मॉलिक्यूल होता है, लेकिन काइटिन एक्सोस्केलेटन फॉर्म करते. तो ये क्या हुआ, ये हमारे इसमें इन्होंने कार्बोहाइड्रेट को हम कहते हैं कि जी स्ट्रक्चर फॉर्म करता. इट इज कम्बाइंड विद प्रोटीन एंड लिपिड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लाइक ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स विच टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स एंड बैक्टीरियल सेल वॉल. अब यही कार्बोहाइड्रेट आपस में मिलकर हमारे प्रोटीन के साथ मिलकर ग्लाइकोलिपिड बनाया, या ग्लाइकोप्रोटीन बनाया, लिपिड के साथ मिला तो ग्लाइकोलिपिड बनाया. तो ये फॉर्मेशन जो है वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, जब हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे तो वहाँ देखिएगा सेल मेम्ब्रेन में हम इसका भी जिक्र करेंगे कि भाई ये भी मॉलिक्यूल वहाँ मौजूद है. फॉस्फोलिपिड भी है, वो मेन है, लेकिन उसके अलावा और भी कंपोनेंट मौजूद. तो ये आपका जो है वो फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट से आपका टॉपिक जो कार्बोहाइड्रेट है वो कंप्लीट हो गया. ठीक है जी. तो एज यूजुअल इसमें भी हमने आपको लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ इशारा किया था कि जी ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारा कार्बोहाइड्रेट में भी आपको मिलता है. ऐसे ही था. ठीक है, अब आ जाएं जी हमारे पास पेज नंबर 29 से आपकी बुक में शुरू हो रहा है आपका लिपिड. तो यहां पर लिपिड पर भी आप क्वेश्चन एक लिख सकते हैं, और बजाय सिंपल क्वेश्चन पूछने के, जैसे हमने पहले बात की थी कि जी डिस्क्राइब द कार्बोहाइड्रेट देयर टाइप्स एंड फंक्शन, है ना, तो इसी तरह लिपिड्स में भी सिंपली आपसे पूछा जा सकता है कि जी व्हाट इज लिपिड, डिस्क्राइब द लिपिड इन डिटेल. ठीक है, डिस्क्राइब द लिपिड्स इन डिटेल. ये लॉन्ग क्वेश्चन है आता है, या हम क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर हमारे यानी आपके पास मॉडल पेपर अवेलेबल हो तो उसमें उन्होंने कहा था आपसे जनाब क्वेश्चन नोट कीजिएगा, विच कंपाउंड डिस्क्राइब्ड बाय Bloor, 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 साइंटिस्ट का नाम है जो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है. Which molecule described by Bloor defined their different types? Defined their different types. ठीक है जनाब. बच्चे बहुत देर से आ रहे हैं जनाब, क्या बात है जी, आज प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही बच्चों की हमारे. अच्छा जी, तो लिपिड्स में हमने आपसे कह दिया कि क्वेश्चन में नेम लिपिड्स वर सजेस्टेड बाय Bloor इन 1943 में Bloor ने इसे नाम दिया हमारे अच्छा जी, बच्चे कह रहे हैं कि जूम से ज्वाइन करना पड़ रहा है, नहीं करना था, रिफ्रेश करके दोबारा करना था, और अगर आपकी ट्राई फेल हुई है
तो फिर आप हमें और बताते अगेन। अगर आपका नहीं हो रहा तो फिर आप जूम की आईडी बनाना पड़ी है, जूम की आईडी बनाना पड़ी है बेटा। जूम की आईडी से हमने आपसे पहले कहा था कि आपने नहीं आना था, आप अपने रिफ्रेश करते और फिर आते, और अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम थी तो आप डिस्कस कर लेते फोन कॉल पर। और उसके अलावा आप रिफ्रेश करके भी देखा था जी, बच्चे कह रहे हैं जी रिफ्रेश करके भी देखा था, नहीं हो रहा था, लॉग आउट भी किया नहीं हो रहा था, फिर जूम की आईडी बना कर किया। चले खैर, बहरहाल आप इसी वजह से बच्चे नहीं आ रहे। खैर, अगेन हम ज्वाइन करें आपको और चलें आगे, प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो चलती रहेंगी। ठीक है जनाब, तो लिपिड्स की हमारे पास, लिपिड्स एक्चुअल पहले यानी 1943 से पहले इसको फैट का ही नाम दिया जाता था, लेकिन आफ्टर 1943 ब्लोर ने इसे कहा कि जनाब फैट एक अलग चीज है और लिपिड एक अलग चीज है, और दरअसल फैट जो है वो टाइप ऑफ लिपिड हो सकती है। ठीक है, और क्यों वो हम आगे आपको दिखाते हैं। दे कंटेन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बट मच लेसर रेशियो ऑफ ऑक्सीजन देन द कार्बोहाइड्रेट। इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है मगर ऑक्सीजन का रेशियो कार्बोहाइड्रेट से कम होता है। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल ईथर बेंजीन क्लोरोफॉर्म। तो चूंकि इसकी प्रॉपर्टी फैट्स लाइक है, फैटी एसिड लाइक है, तो इसलिए ये पानी में डिजोल्व नहीं हो पाएगा। चिकनाई जिसे हम आम जुबान में कह लें अगर, बेशक, तो पानी में डिजोल्व नहीं हो सकती चर्बी या चिकनाई या ऑयल या घी टाइप के मटेरियल, और उनको आपने डिजोल्व करना है तो वो ऑर्गेनिक मटेरियल में ही डिजोल्व होंगे, यानी अल्कोहल वगैरह में, ईथर बेंजीन। द लिपिड फॉर्म फैटी एसिड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। अगर लिपिड को हम हाइड्रोलाइसिस किया जाए तो वो फैटी एसिड बना लेते हैं। फैटी एसिड इज द यूनिट ऑफ लिपिड। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ग्रुप ऑफ लिपिड्स को डिस्क्राइब किया गया है आपके लिए बुक में। चार ग्रुप आपके लिए गए, एसाइल ग्लिसरॉल, वैक्स, फॉस्फोलिपिड और टर्पिनोइड्स। तो इन चार ग्रुप्स को आपको डिस्क्राइब करना होगा। अच्छा, बाज दफा अगर आप फाइव ईयर को देखेंगे तो आपको वहां पर मिलेगा कि जी आप जो है वो क्या करें, आप जो है वो हमारे दो ग्रुप डिफाइन करना या तीन ग्रुप डिफाइन करना, यानी पूरा ग्रुप लिपिड का डिफाइन करने के लिए आपसे ना कहा जाए। जी बच्चे ने एक पूछा है हाइड्रोलाइसिस क्या होता है। जी वेरी गुड, नाइसली क्वेश्चन किया आपने जनाब, और उसकी बेसिक वजह ये कि हाइड्रोलाइसिस का लफ्ज हमने कई बार इस्तेमाल किया और किसी बच्चे ने मे बी बहुत से बच्चों को पता हो। हाँ जी, तो कौन बोलेगा, एक मिनट में आंसर कौन देगा हाइड्रोलाइसिस का। शाबाश, क्या बात है जी, आंसर नहीं आया मेरे पास अभी तक। हाइड्रोलाइसिस का आंसर मांगा था कि किस बच्चे को मालूम है, 14 में से 13 बच्चों को तो मालूम है हाइड्रोलाइसिस है। मैं वेट कर रहा हूँ कब से यार। जी तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है हाइड्रो की मदद से लाइसिस किया जाए। सिंपली मैंने आपसे पहले भी स्टार्ट में आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने बायो के टर्म्स के मीनिंग्स को जरा ध्यान में रखा करें, तो आपको इंशाल्लाह बहुत सारी डेफिनेशंस याद हो जाएंगी। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, लाइसिस मीन होता है ब्रेक डाउन करना। ठीक है,
तो पानी की मदद से आप किसी पॉलीमर को ब्रेक डाउन कर दें तो वो प्रोसेस कहलाता हाइड्रोलाइसिस। जैसे आपने कहा था कंडेंसेशन है, तो कंडेंसेशन में आपने कहा था जी पानी निकल आता है मॉलिक्यूल में से, मोनोमर्स आपस में मिलकर पॉलीमर फॉर्म कर लेते हैं। इसी पानी को वापस पॉलीमर में डाल दिया, ऐड कर लिया, तो उस पानी की वजह से क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा पॉलीमर्स का और वो अगेन कन्वर्ट इनटू मोनोमर्स। तो ड्यू टू द हाइड्रो यानी वाटर लाइसिस हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है हाइड्रोलाइसिस। ठीक है जनाब। तो जो भी बड़ा मॉलिक्यूल जैसे लाइक लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, उसको आप हाइड्रोलाइज करेंगे तो लिपिड फैटी एसिड में ब्रेक हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट शुगर्स या मोनोसेक्राइड में, और प्रोटीन हमारा अमाइनो एसिड। ठीक है जी। चार ग्रुप में से पहले ग्रुप की तरफ चलते हैं, एसाइल ग्लिसरॉल, फैट एंड ऑयल, दो चीजें यानी एक्चुअल एसाइल ग्लिसरॉल में फैट और ऑयल दोनों होता है इंक्लूडेड है। दे मेल्ट एट मच लोअर, ये बहुत कम टेम्परेचर पर मेल्ट हो सकता है। साइल ग्लिसरॉल आर कंपोज ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। अब इसमें दो मॉलिक्यूल हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, वो मिलकर हमारे एसाइल ग्लिसरॉल बनाते हैं। ठीक है जी। वन मॉलिक्यूल ऑफ एसाइल ग्लिसरॉल लिंक टू थ्री मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड बाय कंडेंसेशन। तो ये मिलकर तीन मॉलिक्यूल फैटी एसिड के एसाइल ग्लिसरॉल की लिंक बनाते हैं, तो वही कंडेंसेशन होगा डेफिनेटली। तीन मॉलिक्यूल ये हैं, एक मॉलिक्यूल हमारा ग्लिसरॉल का है, तो चार मॉलिक्यूल हो गए। तो ये क्या थे, मोनोमर, आपस में मिलकर पॉलीमर फॉर्म करेंगे यानी कंडेंसेशन होगा। इट इज एस्टिमेटेड दैट अ पर्सन ऑफ एवरेज साइज कंटेन अप्रोक्सीमेटली 16 kg ऑफ फैट विच इज इक्वलेंट टू 14400 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी विच टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टू डिप्लेट। तो एक एवरेज पर्सन ना, जो जो ना ज्यादा मोटा है ना ज्यादा पतला है, तो उसमें हमारे पास एवरेज 16 kg, ये वो फैट है जो हमारे एज अ फूड हमारे सोर्स के तौर पर चल रही है। ठीक है। तो ये हमारी फैट हमारे लिए 14400 के कैलोरी, किलो कैलोरी, के मीन्स किलो, किलो कैलोरी आपको एवरेज प्रोवाइड करती है। ठीक है जनाब। अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है जनाब, वो है कि अब आपने टाइप्स ऑफ एसाइल ग्लिसरॉल, एसाइल ग्लिसरॉल क्या था, कौन था, कैसा था, वो आपने देख लिया। अब यहां पर एसाइल ग्लिसरॉल की टाइप है, नंबर वन सैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल और सेकंड है अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है। तो आप अपने पास जो हमारा बहुत यूजुअल क्वेश्चन आता है 5 ईयर में, वो हम आपको यहाँ नोट करा देते हैं जनाब, पेज नंबर 30 पर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड लिखा हुआ है। ठीक है। यहाँ पर आप अपने पास नोट कीजिएगा रीजन, एज रीजन जो मैं आपके होमवर्क में ऐड करूंगा। ठीक है। आप इसका आंसर अपने वर्ड्स में लिखेंगे। अभी मैं होमवर्क नहीं दे रहा, अब मैंने ये सिस्टम बनाया कि जी चैप्टर वाइज, जब चैप्टर हम एंड कर लेंगे तो चैप्टर एंड करके आपको जिस हमने होमवर्क अपलोड किया था, ऐसे ही हम होमवर्क आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है ना। पेज नंबर बता दें, बिल्कुल बता देंगे जनाब, पेज नंबर था 30 बेटा, पेज नंबर 30 पर। ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर इंशाल्लाह अभी आज मे बी पॉसिबल खत्म हो या ना हो, लेकिन नेक्स्ट हमारी जो भी क्लास होगी उसमें हमारा ये चैप्टर खत्म होकर थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम इंशाल्लाह। तो जनाब यहाँ पर 30, पेज नंबर 30 पर आप क्वेश्चन लिख लीजिए। व्हाई व्हाई बटर
butter is solid? Why butter is solid and mustard oil is liquid? Why butter is solid and mustard oil is liquid? क्यों जी बटर क्यों सॉलिड होता है और मस्टर्ड ऑयल क्यों लिक्विड होता है, तो ये आपने बताना है। और इसका सिंपल क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन, ये भी नोट कर लें आप वहीं पर, राइट द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल। राइट द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल। ऐसा ही है, सिंपल चलें जी, डिफरेंस देख लें और इसी डिफरेंस में आंसर होगा आपके रीजन का। सैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल और इसके कंपैरेटिवली लिखा हुआ हमने अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल आर दोज विच डू नॉट हैव अ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। ठीक है जनाब, पहला पॉइंट। और हम अनसैचुरेटेड में देखें, अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल आर दोज विच हैव वन और मोर देन वन डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। तो अनसैचुरेटेड केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ ये लफ्ज आपने, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो इसमें एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड जरूर होना चाहिए, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। लेकिन सैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब होता है कि उसमें देर इज नो डबल बॉन्ड, ना एक ना आधा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होंगे। इसीलिए तो उसको सैचुरेटेड कहते हैं। सैचुरेटेड मीन्स होता है फुल फिल्ड, भरा हुआ। उर्दू की मीनिंग इसकी होती है शेरशुदा। शेरशुदा का मतलब जिसने खाना खा के पेट भर रखा हो, तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड, तो इसमें कोई और एडिशन नहीं हो सकता। ठीक है, सेकेंड पॉइंट कंपैरेटिवली देखते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा। दे मेल्ट एट मच लोअर टेम्परेचर, और अनसैचुरेटेड लो टेम्परेचर पर भी मेल्ट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं, दे आर सॉलिड एट ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर। ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर ऑलमोस्ट 35, 36, 37 को कहा जाता। तो ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है, जबकि दे आर लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ठीक है जना। फोर्थ में देखें, मोस्टली फाउंड इन एनिमल्स, और फोर्थ में हम अनसैचुरेट में देखें, दे आर फाउंड इन प्लांट एंड ऑल्सो कॉल्ड ऑयल। इसको हम ऑयल कहते हैं, इसे हम फैट कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लें, बटर एनिमल फैट स्टीरिन फाउंड इन बीफ एंड बटर। हमारे पास प्लांट में ग्राउंड नट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, लिनोलिन है, फाउंड इन कॉटन सीड कंटेन्स लिनोलिक एसिड। लिनोलिन जो है वो हमारे कॉटन सीड में होता है, जिसमें लिनोलिक एसिड भी होता है। तो ये ऑयल है। ठीक है जनाब, तो ये डिफरेंस आपने नोट कर लिया हमारे पास। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। तो ये हमारा ग्लिसरॉल, एसाइल ग्लिसरॉल पहला लिपिड में हमने आपसे कहा था चार ग्रुप हैं, उनमें से पहला ग्रुप आपके सामने हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा ग्रुप है जो बहुत छोटा सा आपको मिलेगा यहाँ पर, और उसमें कुछ इतनी खास बातें हमें नजर नहीं आती, और वो पेज नंबर 30 पर ही है वैक्स के नाम से। और इस पेज नंबर 30 पर वैक्स पर आप उसका जो जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, वो अपने पास नोट कर लीजिएगा एमसीक्यूज के हवाले से, स्क्रीन पर भी आपके और यहाँ पर भी। 30 पेज नंबर पर इम्पोर्टेंट नोट भी लिखा हुआ है लास्ट में, वो भी जरा अपने पास रखिएगा जहन में, उसकी बात भी यहाँ ऐड है हमारे पास। वैक्स आर सिंपल लिपिड हैविंग वन मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड फॉर्मिंग ईस्टर बॉन्ड। ईस्टर बॉन्ड हमारा एक स्पेशल बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप है ईस्टर। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में आपने पढ़ना है और 9 में पढ़ चुके होंगे, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा तो फंक्शनल ग्रुप में ये होगा। विद वन मॉलिक्यूल ऑफ लॉन्ग चेन अल्कोहल, तो ईस्टर फॉर्मिंग जो है वो फैटी एसिड की वो लॉन्ग चेन बनाते हुए अल्कोहल के साथ मिलते हुए
एक लॉन्ग चेन फॉर्म करती है, इसे कहा जाता है वैक्स। दे हैव ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ऑड नंबर मतलब सी 25 है ना, 27, 29 इस तरह से, ठीक है। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, डेफिनेटली ये वाटर में इनसॉल्युबल है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है तो बिल्कुल भी पानी में डिसॉल्व नहीं होता। अच्छा जी, वो जो हमने आपसे कहा था